नमस्कार साथियों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल इंडिया एंड द ब्रिटिश इंडिया। नमस्कार साथियों, आज हम भारत सरकार के उस प्रशासनिक स्वरूप की, या जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इस विषय पर परिचर्चा करने जा रहे हैं। इस विषय पर परिचर्चा करने से पूर्व हमें ये जानना होगा कि भारत सरकार किस संदर्भ में इस टर्म का यूज किया जा रहा है। भारत सरकार का मतलब यहां पर कंपनी भारत से लेकर ब्रिटिश भारत तक की जो संवैधानिक यात्रा है, या भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, संवैधानिक विकास की जो यात्रा है, उस यात्रा के बारे में स्टेप बाय स्टेप क्रमशः विकास की बात की जाएगी। भारत सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले रेगुलेटिंग एक्ट, जिसे 1773 का अधिनियम कहा जाता है, उस 1773 के अधिनियम को, जिसे पहला लिखित और कानूनी दस्तावेज, अर्थात वह कंपनी की तरफ से पहला रिटन और लीगल डॉक्यूमेंट्स था भारत सरकार के संदर्भ में। भारत की राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था और व्यापारिक व्यवस्था, विशेष रूप से व्यापारिक व्यवस्था का संचालन, नियमन और नियंत्रण किस तरीके से और किस प्रारूप में किया जा रहा था, इसका विवेचन किया जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई, जैसे कि मेरे पूर्व व्याख्यानों में आप देखेंगे कि किस तरह से वास्को डिगामा पुर्तगाल से भारत पहुंचता है, भारत का स्थलीय व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध होने के बाद नए समुद्री मार्गों की खोज होती है, पूरी दुनिया की ऐतिहासिक विरासत को, अथवा पूरी दुनिया की इस इतिहास को बदलने का जो आधार है वह शुरू होता है और एक नया इतिहास लिखा गया। पुर्तगालियों के साथ डच, अंग्रेजी और फ्रांसीसी व्यापारी भी भारत में आए। इनमें ब्रिटिश व्यापारियों की सबसे बड़ी विजय हुई। ब्रिटिश व्यापारियों ने सबसे ज्यादा सफलता प्राप्त की। इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत सरकार का शासन, जिसे कि हम ब्रिटिश भारत की अथवा उपनिवेशिक भारत की सरकार के नाम से जानते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उससे पहले यहां पर प्रिंसली स्टेट का रूल था। ऐसे प्रिंसली स्टेट के रूल में अगर हम देखें तो किस तरह से इस व्यवस्था का संचालन हो रहा था, इसमें सर्वप्रथम आता है बंगाल का शासन। दोस्तों, इस समय बंगाल पर नवाब का शासन था और बंगाल की जो अधिसत्ता है प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद बदल जाती है। जैसा कि मेरे पूर्व व्याख्यानों में आप देखेंगे कि किस तरह से प्लासी के युद्ध की बात कही गई, 23 जून 1757 की तारीख थी वह। दोस्तों, 23 जून 1757 की वह तारीख, जिस तारीख को कलकत्ता छावनी से मीलों दूर प्लासी नामक स्थान पर एक ब्रिटिशर बाबू रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में और बंगाल के नवाब मीर जाफर के नेतृत्व में विरोध में, जहां पर पहली बार मीर कासिम के द्वारा, सेठ अमीचंद के द्वारा, बैंकर्स के द्वारा, उनके बेटे के द्वारा, सब लोगों ने मिलकर एक कंसीपरेंसी षड्यंत्र डिजाइन किया और इस षड्यंत्र का ही परिणाम था कि प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब को सत्ता से हाथ धोने पड़े। फिर से 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ और इस बार सर टॉमस मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिशर के द्वारा दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय
और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के निष्कासित मीर कासिम को हार का सामना करना पड़ा। 1773 के इस अधिनियम से पूर्व ब्रिटिशर के स्वरूप में देखें तो बंगाल की जो शासन व्यवस्था है वह किस तरह से संचालित हो रही थी, वह नवाब के अधीन थी। और प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद जो शासन व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल में स्थापित हुई वह कैसी व्यवस्था थी? दोस्तों, ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश ताज, जिसे आप हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड ब्रिटिश मोनार्क, तीनों को सामूहिक रूप से ब्रिटिश पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। तो ब्रिटिश ताज का मतलब उस व्यवस्था से है जिसमें कानून बनाने की शक्तियां हो, कानून को लागू करने की शक्तियां हो, जुडिशरी पावर भी हो और ब्रिटिश सम्राट अथवा राजा भी उसका मुख्य हिस्सा हो, उसे ब्रिटिश ताज के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ फरतम के चार्टर से स्थापित की गई, इस कंपनी का नाम था दोस्तों दी गवर्नर एंड दी कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू दी ईस्ट इंडीज 1600। कंपनी के इस औपचारिक नामकरण में दी गवर्नर वर्ड का यूज किया गया है। गवर्नर मींस गवर्न करने वाला, शासन चलाने वाला। गवर्नर, इसीलिए ये टर्म जो था वे गवर्नर और गवर्नर जनरल एंड गवर्नर जनरल एंड दी वाइस राय के रूप में ब्रिटिश भारत से लेकर स्वतंत्र भारत तक बड़ा ही चर्चित, व्यापक और शक्तिशाली पदनाम रहा। गवर्नर जो बंगाल का गवर्नर था वह बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, जिसने डाइट की सिस्टम को स्थापित किया, उस रॉबर्ट क्लाइव की द्वेष शासन व्यवस्था को बंगाल के नवीन गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, जिसको बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भी कहा जाता है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने रॉबर्ट क्लाइव की डायर की सिस्टम का अंत किया। उस व्यवस्था से पूर्व बंगाल का शासन दो अधिसत्ताएं यानी बक्सर के युद्ध से लेकर 1773 के इस अधिनियम से पूर्व तक की जो व्यवस्था है उसका संचालन, तो गवर्नर जो था गवर्न करने वाला, शासन चलाने वाली इकाई को यहां गवर्नर के रूप में दी गवर्नर कहा गया है। और जो कंपनी थी, व्यापारियों की कंपनी जो ईस्ट इंडीज, पूर्वी हिंद महासागर या इस क्षेत्र, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन के आसपास उन क्षेत्रों से, देशों से व्यापार करने वाली लोगों की कंपनी। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी और दी कंपनी स्टेट के बारे में जॉन की ने अपनी पुस्तक दी कंपनी स्टेट में लिखा है, वो मैंने ऑलरेडी पूर्व व्याख्यानों में बताया। इस ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक रूप से और राजनीतिक रूप से कंट्रोल करने वाली एक इकाई हुआ करती थी, जिस इकाई को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से जाना जाता है। और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का मुख्यालय लंदन में था, वही लंदन जहां कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का मुख्यालय बनाया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और 1858 के अधिनियम में जाकर जहां काउंसिल, इंडियन काउंसिल एंड इंडिया ऑफिस, ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत के राज्य सचिव, भारत के मंत्री, ब्रिटिश संसद की कैबिनेट मंत्री के अधीन भारत सचिव के रूप में कार्य करने वाला, कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य करने वाला भारत सचिव, भारत मंत्री और उसको असिस्ट करने वाले 15 लोगों की भारत परिषद, जिसने अपना स्वरूप लिया। और ये 1935 तक भारत परिषद ने काम किया। 1935 के अधिनियम में भारत परिषद का डिक्लाइन कर दिया गया, यद्यपि भारत सचिव पद रहा और भारत सचिव को एडवाइज करने के लिए एक एडवाइजरी काउंसिल की स्थापना 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में की गई। तो ये कहानी है दोस्तों कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की,
जो लंदन में है, और वह 24 सदस्यों का एक व्यापारिक समूह था, बिजनेस क्लास पर्संस थे, और जो ज्यादा से ज्यादा शेयर परचेज करने वाले ब्रिटिशर थे, उन ब्रिटिशर को इस कंपनी की एक्टिविटीज में, ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों में हस्तक्षेप करने का और प्राधिकार नियुक्त करने का पावर था, शक्ति थी। इस समय 1773 से पूर्व प्रेसिडेंसी ऑफ कोर्ट विलियम बंगाल गवर्नर, जो बंगाल का एक गवर्नर के रूप में, जहां प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम की ट्रेडिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल और रेगुलाइज किया जाता था, वह कंपनी का प्राइवेट मैटर, निजी मामला हुआ करता था। प्रेसिडेंसी का मतलब यहाँ हाकिम के इलाके या हुकूमत या गवर्नर की रियासत के रूप में अभिव्यक्त किया गया है, जो आगे चलकर ब्रिटिश प्रांतों के रूप में प्रसिद्ध हुए। 1773 के एक्ट से पहले बंगाल का शासन द्वैत शासन के रूप में प्रचलित था, और जैसा आपको पता है कि ब्रिटिश भारत में भी 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन की स्थापना पहली बार की गई। डायर की मीन्स दो समानांतर सरकारों के द्वारा शासन करने वाली व्यवस्था, दोहरी सरकार, डबल गवर्नमेंट का सिस्टम। बंगाल का शासन बंगाल के गवर्नर के द्वारा रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल का शासन बंगाल के नवाब के द्वारा। जहां तक रेवेन्यू और मिलिट्री मैटर्स की बात थी, वह गवर्नर देखता था, और जो राजस्व वसूली और प्रशासनिक खर्च का काम था वो नवाब देखता था। ट्रेडर्स व्यापारी थे, नेचर से, स्वभाव से वो व्यापारी थे, इसलिए व्यापार उनका मुख्य केंद्र बिंदु रहा हमेशा के लिए। ऐसी अधिसत्ता जो बंगाल के द्वैत शासन के रूप में थी, उस अधिसत्ता का अंत करके 1773 के रेगुलेटर में एक नई व्यवस्था आई, इस विनियमनकारी अधिनियम के द्वारा, जिसे कंपनी भारत का पहला अधिनियम कहा जाता है। तो आइए परिचर्चा करते हैं 1773 का कंपनी भारत का अधिनियम। 1773 के इस अधिनियम के बाद कंपनी भारत सरकार का राजनीतिक स्वरूप क्या था, जो शासन की शक्तियों को नियंत्रित करता था, चलाता था। ब्रिटिश क्राउन के अधीन प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम बंगाल के गवर्नर जनरल और 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद का प्रावधान किया गया। बंगाल का गवर्नर क्लाइव, उसके स्थान पर बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल डिक्लेयर किया गया। कौन था बंगाल का पहला गवर्नर जनरल? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल के गवर्नर जनरल की भूमिका निभाई। अधिनियम में इस बंगाल की शासन व्यवस्था का संचालन करने के लिए एक गवर्नर जनरल और 4 काउंसलर्स की व्यवस्था की गई। गवर्नर जनरल होगा और उसको सहायता देने के लिए विधायी कार्यों में, कार्यकारी कार्यों में और न्यायिक, तीनों ही कैटेगरी के कार्य उस समय गवर्नर जनरल और उसके 4 पार्षदों के द्वारा किया जाता था। ये थी उस समय की संसद, आप इसको कह सकते हैं, छोटी सी संसद जिसको सभी पावर दिए गए ब्रिटिश संसद की तरह, न्याय भी करना, कानून लागू भी करना और कानून बनाना भी, सभी कार्य देखती थी। तो 5 लोगों का यह समूह है भारत में कलकत्ता से भारत की शासन व्यवस्था का नियंत्रण, निर्देशन और नियमन करता है। हम कह सकते हैं कि 2 स्थानों से भारत की यह शासन व्यवस्था चलाई गई, एक लंदन से और दूसरा यहाँ कलकत्ता से। 2 ऑफिस बनाए गए, एक लंदन में और एक कलकत्ता में। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के साथ ही एक 7 सदस्यों का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और 9 सदस्यों का बोर्ड ऑफ कंट्रोल 17, हालांकि पिट्स इंडिया एक्ट में आया, परंतु 1773 के बाद 1858 से पहले तक की स्थिति जिसमें परिवर्तन होता जाएगा। व्यापारिक गतिविधियों का नियंत्रण और नियमन करने के लिए, कंपनी की जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज थी उनका नियमन और नियंत्रण करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट किया गया था, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, विलियम पिट्स द यंगर ब्रिटिश प्रधानमंत्री के नाम पर इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, राजनीतिक गतिविधियों के नियंत्रण के लिए भी एक बोर्ड बनाया गया, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल
या नियंत्रण मंडल के नाम से जाना गया। ये 1858 तक रहे दोनों बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और एक लंदन में था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, 30 मेंबर्स, उसमें 6 मेंबर और बढ़ा दिए गए थे। उसका अलग प्रावधान था मतदान की व्यवस्था, शेयर खरीदना और सब कंट्रोल करना। अब ये दो बोर्डों के द्वारा ट्रेडिंग एक्टिविटीज को और ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक गतिविधियों को नियमित करने का प्रयास, लिखित प्रयास, वैधानिक प्रयास किया गया। 1773 के बाद जो बंगाल में गवर्नर और नवाब के द्वैत शासन का अंत कर दिया गया हेस्टिंग्स के द्वारा, ऐसे बंगाल में 3 प्रेसिडेंसी नगर स्थापित हुए, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। बंगाल का गवर्नर जनरल कलकत्ता, बंबई और मद्रास का भी गवर्नर जनरल होगा। इन सबको वो गवर्नर जनरल बड़ा पदाधिकारी और उसके अधीन प्रेसिडेंसी नगरों में हुकूमत या गवर्नर के इलाकों में हर उस इलाके में अपना एक गवर्नर होगा। कलकत्ता प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रांत और उसका गवर्नर, बॉम्बे प्रांत और उसका गवर्नर, मद्रास प्रांत और उसका गवर्नर, रेदर देन नेक्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर भी असिस्ट किए गए। तो उन प्रांतों में, उन प्रेसिडेंसी नगरों में इसके साथ साथ बिहार और उड़ीसा की दीवानी भी शामिल की गई। आगे चलकर बिहार और उड़ीसा को भी प्रांतों के रूप में कन्वर्ट किया गया और वहां भी गवर्नर पद की व्यवस्था शुरू की गई। बिहार और उड़ीसा का दीवानी क्षेत्र भी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। 1773 का वह अधिनियम प्रथम लिखित और वैधानिक, 1773 का अधिनियम पहला लिखित दस्तावेज था ब्रिटिश सरकार की तरफ से, वह पहला कानूनी दस्तावेज था, वैधानिक दस्तावेज था ब्रिटिश सरकार की तरफ से कंपनी की राजनीतिक और व्यापारिक गतिविधियों और संपूर्ण प्रक्रिया, राजस्व प्रक्रिया पर नियमन और नियंत्रण करने का एक प्रयास था। यह था 1773 के अधिनियम के माध्यम से जो परिवर्तन हुआ वह व्यवस्था। 1773 से लेकर आगे 1784 का एक्ट, 1813 का एक्ट, 1833 का अधिनियम, जिस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन कंपनी भारत। ब्रिटिश भारत से पूर्व कंपनी भारत में वह पहला भारतीय गवर्नर जनरल था भारत का, और अंतिम रूप से लॉर्ड केनिंग कंपनी भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, जो 1858 के अधिनियम के बाद ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल एंड वायसराय बना। वायसराय वाज ए एडिशनल टाइटल ऑफ द गवर्नर जनरल इन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन 1858। 1858 के अधिनियम के बाद जो विशेष परिवर्तन आया वो क्या था? 1858 के बाद ब्रिटिश भारत सरकार, इसको कंपनी भारत से किस नाम से जाना गया? ब्रिटिश भारत के नाम से जाना गया। अब ये कंपनी भारत नहीं है, ब्रिटिश भारत है। ब्रिटिश क्राउन या संसद सहित बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की दोहरी व्यवस्था का अंत करके उसके स्थान पर लंदन में एक परिषद बनाएगी, जिस परिषद का नाम क्या था? भारत परिषद, इंडियन काउंसिल। और एक पद शुरू किया गया जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, दैट वाज द ऑफिशियल नोमेनक्लेचर, द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया, भारत का राज्य सचिव या भारत मंत्री। भारत मंत्री या भारत का राज्य सचिव कौन होता था? देखिए यहां पर दो मुख्य नियंत्रणकारी निकाय और पदाधिकारी हैं। एक भारत सचिव है जो ब्रिटेन में लंदन में रहता है, दूसरा गवर्नर जनरल जो कलकत्ता ऑफिस से भारत को संचालित करता है। ये भी दो तरह की सरकारें थी, लंदन से भारत का शासन और कलकत्ता से भारत का शासन, फील्ड यूनिट में गवर्नर जनरल और ब्रिटेन में राजनीतिक पॉलिटिकल यूनिट के रूप में भारत सचिव। भारत सचिव कौन होता था? भारत सचिव ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में कैटेगरी फर्स्ट का मिनिस्टर होता था, अर्थात मंत्री परिषद में 3 कैटेगरी के मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मंत्री,
प्रथम श्रेणी मंत्री जिसे मंत्रिमंडल कहते हैं, राज्य मंत्री सेकंड कैटेगरी के मंत्री, उपमंत्री सब मिनिस्टर थर्ड कैटेगरी के मिनिस्टर, तीनों को कलेक्टिवली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अथवा मंत्री परिषद कहा जाता है। तो उस मंत्री परिषद का छोटा स्वरूप मंत्रिमंडल उस प्रथम श्रेणी में के मंत्रियों में से एक मंत्री को भारत मंत्री के नाम से जाना जाता था, उसको असिस्ट करने वाली भारत परिषद होती थी। इंडिया हाउस के नाम से भी इसको, इंडिया ऑफिस के नाम से भारत कार्यालय, इसका कार्यालय भारत कार्यालय कहलाता था, लंदन में स्थित था। भारत में ब्रिटिश भारत में फील्ड यूनिट के रूप में गवर्नर जनरल एंड वाइस राय पहली बार लॉर्ड केनिंग को भारत का वाइस राय घोषित किया गया। वाइस राय विक्टोरिया दरबार 1858 का जो अधिनियम था, बेटर गवर्नेंस फॉर इंडिया, भारत के लिए उत्तम या श्रेष्ठ शासन, उसमें ये अतिरिक्त उपाधि गवर्नर जनरल को दी गई। इसका मतलब अब जो गवर्नर था 1773 से पहले, 1773 में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, वह 1833 में भारत का गवर्नर जनरल था, वह 1858 में ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल एवं वायसराय के नाम से जाना गया। गवर्नर जनरल एंड वायसराय को असिस्ट करने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो पहले 4 सदस्यों की थी उसमें 5 सदस्य हुए, फिर 3 सदस्य हुए, फिर कमी और वृद्धि की जाती रही। 1853 के एक्ट में थोड़ा सा प्रावधान करके 6 अतिरिक्त सदस्यों को भी शामिल करने का प्रावधान किया गया कि विधायी कार्यों के बारे में सलाह एडवाइस देने के लिए 6 अतिरिक्त एडिशनल मेंबर उनको कहते थे, अतिरिक्त सदस्य कहते थे, जो 1861 और 1892 1909 तक बढ़ते गए और 1919 तक पहुंचते यही गवर्नर जनरल और वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन गवर्नर जनरल एंड वाइसराय, वह 2 सदनों में विभाजित हो गई, एक विधानसभा और दूसरी राज्य परिषद केंद्रीय स्तर पर, किसके तहत, 1919 के अधिनियम के तहत। इस समय ब्रिटिश भारत में 2 मुख्य इकाइयां थी, सब कैटेगरी में 3 इकाइयां, पहली इकाई में ब्रिटिश प्रांत और मुख्य आयुक्तों को रखा गया है। गवर्नर जनरल एंड वायसराय के अधीन प्रेसिडेंसी नगर और ब्रिटिश प्रांतों के नगर, उस समय मुख्य रूप से 5 प्रांतों को शामिल किया गया जिनकी संख्या बढ़ते बढ़ते 7, फिर 9, 10, 11, 1935 के अधिनियम तक ये संख्या बढ़कर 1935 का जैसे अधिनियम आया उसके बाद 11 प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के बाद में 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र, इस तरह से उसमें परिवर्तन आया। तो जो ब्रिटिश भारत के प्रांत थे जहां गवर्नर शासन करता था और जो गवर्नर जनरल के द्वारा नियुक्त होता था, उस गवर्नर को गवर्नर जनरल के प्रति जिम्मेदार रहकर कार्य करना होता था। तो ब्रिटिश भारत के प्रांतों के गवर्नर या प्रेसिडेंसी नगर, 3 प्रेसिडेंसी नगर जिनको भी आप प्रांत कह सकते हो, उन प्रांतों के गवर्नर, इसके अलावा जिनको चीफ कमिश्नर क्षेत्र घोषित किया जाए, जो किसी भी प्रांत में हो सकते हैं, गवर्नर जनरल के द्वारा ऐसा किया जाएगा, उन चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों में या मुख्य आयुक्त के क्षेत्र में मुख्य आयुक्त होगा जो भी गवर्नर जनरल के द्वारा डायरेक्ट अपॉइंट किया जाएगा। कुछ प्रेसिडेंसी और कुछ नगरों में, प्रांतीय नगरों में लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी प्रावधान किया गया। दूसरी मुख्य राजनीतिक इकाई थी प्रिंसली स्टेट या देसी राज्य या देसी रियासत। 1858 के पहले लॉर्ड डेहलोजी ने बड़े स्तर पर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी के माध्यम से राज्यों को हड़प लिया। उस राज्य हड़प नीति के प्रतिरोध में या विरोध में एक बड़ा कारण था 1857 की क्रांति, रानी झांसी दत्तक पुत्र को वैधानिक वारिस नहीं मानना। इन देसी रियासतों या रियासतों से बातचीत करने के लिए इनके इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करने की बात कही गई, सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, प्रिंसली स्टेट को जैसे है वैसे बनाकर रखा जाएगा। प्रिंसली स्टेट को ऑपरेट करने के लिए, इसका मतलब गवर्नर के प्रांतों और चीफ कमिश्नर में तो ब्रिटिश सरकार और रेगुलेशन लागू होते थे, ब्रिटिश सरकार के रूल्स अधिनियम, प्रिंसली स्टेट में खुद राजा के ही रूल्स और रेगुलेशन लागू होते थे रेवेन्यू मैटर को छोड़कर। देसी रियासतों और राजाओं से बातचीत करने के लिए इस गवर्नर जनरल और वायसराय का एक एजेंट हुआ करता था
जिसको पॉलिटिकल एजेंट या राजनीतिक अभिकर्ता के नाम से जाना जाता था। यही राजनीतिक अभिकर्ता गवर्नर जनरल एंड वायसराय द्वारा अपॉइंट था। राजा और उनके बीच मध्यस्थता, समन्वय और सामंजस्य का कार्य करता था। आगे चलकर 1921 में नरेश मंडल भी बनाया गया, जिसमें दो कुछ पावर्स भी उनको दिए गए कि उनका कोई आपसी मामला हो, विवाद हो, उस संदर्भ में भी वो गवर्नर जनरल से बातचीत करेंगे, इन्वेस्टिगेशन होगा। तो इस तरह से 1858 के अधिनियम तक जो कंपनी भारत था वह ब्रिटिश भारत में कन्वर्ट हो गया और ब्रिटिश भारत की शासनिक इकाइयों के रूप में, मुख्य रूप से राजनीतिक शक्तियों की बात कहें तो वह दो इकाइयों के द्वारा, भारत सचिव और भारत परिषद लंदन से और गवर्नर जनरल एंड वायसराय उसके कार्य परिषद भारत से, पूरी शासन व्यवस्था के संचालन करने वाले दो महत्वपूर्ण पिल्लर, इम्पोर्टेंट पोल, महत्वपूर्ण ध्रुव हुआ करते थे, जिन्हें की बदौलत आगे चलकर इस शासन व्यवस्था का विस्तारित स्वरूप हमें देखने को मिला। 1858 के बाद 1861 और 1892, 1919 और 1935 तक इस ब्रिटिश भारत की या ब्रिटिश भारत सरकार की संरचना क्या थी, ये जानने के लिए आप मेरे वीडियोज को अगर पसंद हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और जानकारी मिल सके। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।